हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये मेरा सेकंड विंटर वेयर हॉल है। एक मैं विंटर वेयर हॉल मिंत्रा का भी बना चुकी हूँ, तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखना। इससे पहले जो मैंने विंटर वेयर हॉल किया था उसमें मैंने मिंत्रा से स्वेटशर्ट्स मंगाई थी और उनका रिव्यू दिया था, और वो स्वेटशर्ट्स 400 के अंडर थी सारी, बहुत अफोर्डेबल थी। आप जाके अभी चेक कीजिए कितना अच्छा कलेक्शन था वो, आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर पसंद आई तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अगर आज की वीडियो होने वाली है मीशो विंटर वेयर हॉल, जिसमें मैंने जैकेट भी मंगाई है और ये प्यारा सा वेस्ट भी मैंने मीशो से मंगाया है। इसकी क्वालिटी के बारे में भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो पहला आइटम जो मेरा फेवरेट है इस हॉल से, क्या ही तारीफ करूं, आप खुद देखो यार। ये है टेडी बेयर वाली जैकेट, फर वाली है पूरी। सबसे पहले तो मैं आपको इसका प्राइस बता दूं। इसका प्राइस है 298 रुपीज। मतलब 298 रुपीज में मुझे इतनी इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट सी जैकेट मिली है। मतलब बहुत अच्छी है और आने वाली जो ठंडे हैं उसके लिए भी ये परफेक्ट है। इतना इसका मटेरियल देखो यार, मतलब ये बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है कहीं से भी। बहुत प्यारा सा इसमें फैब्रिक लगाया गया है और इसके अंदर इस तरह की लाइनिंग दी गई है। पहन के इतनी सॉफ्ट फील हो रही है ना, मतलब एक तो ये लग ऐसी रही है बिल्कुल टेडी बेयर वाली। ओवरऑल ये जैकेट बहुत अच्छी लगी है। मैंने इसमें एल साइज में मंगाई है और मुझे बहुत अच्छे से फिट हुई है। तो चलो नेक्स्ट आइटम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट मैंने ये जॉगर मंगाया है मीशो से। साइज मैं इसका बता दूं, साइज इसमें मेरा 32 है और इसमें ना बांधने के लिए भी है। मैं वैसे यूजुअली मेरा साइज 30 है बट मैंने इसमें 32 मंगाया है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी एक जॉगर मंगाया था तो वो ना मेरे को 30 मंगाया था तो मेरे को ना टाइट था वो, तो मुझे मतलब ठीक नहीं लगा था कि इतना टाइट, वो भी ठंडों में थोड़ा लूज ही पहनना अच्छा लगता है ताकि उसके नीचे भी हम कुछ पहन पाए। मतलब मेरे को जरूरत पड़ती है, सिर्फ जॉगर में काम ही चलता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लूज रखा है। लूज रखने के लिए इसको मैंने 32 साइज में मंगाया। बांधने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी दी गई है तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये लटकता फिरेगा या लूज होगा। आप इसको अपने साइज से अप भी जा सकते हो, मेरी माने तो अप ही जाइए, वो अच्छे से आपको फिट हो पाएगा। फैब्रिक इतना ज्यादा थिक तो नहीं है बट थिकनेस है फैब्रिक में। पास से दिखाती हूँ, स्वेट शर्ट के अंदर वो थोड़ा रुए वाला फैब्रिक होता है ना, गर्म वाला होता है, उस तरह का तो नहीं दिया गया है बट काफी अच्छा है, काफी ठीक है। इसका प्राइस आई थिंक 300 समथिंग है। इसको पहन के मत सो जाना ठीक है, दिन के लिए ठीक है, दिन में पहनो अच्छे से आराम से घूमो इधर उधर, लेकिन अगर आप इसको पहन के सोओगे तो इसमें लिंट्स आ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। बाकी ओवरऑल मुझे ये जॉगर बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट आइटम है ये जो मैंने पहना हुआ है, स्वेटर वेस्ट, तो मुझे बहुत पसंद आया और ये मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आया, बोलती ये तो मुझे दे दे। तो ये तो भाई मम्मी ने बुक कर लिया है। बाकी देखो यार इसकी क्वालिटी, इसका प्राइस इन सब में जो भी अब तक मैंने मंगाया हुआ है तो सब कोई हर कोई 300-350 के अंडर था, बट ये यार इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। इसका प्राइस 576 है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी बेस्ट है। इसकी क्वालिटी देखो, इसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया किसी भी। इसका प्रिंट मतलब इतना क्यूट लग रहा है ना, इसका लुक इतना क्यूट लग रहा है। और इसको मैंने पेयर किया है व्हाइट शर्ट, प्रेस कर लेना, मैंने नहीं कर लिया ठीक है, आलस, और ब्लू डेनिम, व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम के साथ मैंने इसको पेयर किया और यार ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। इसकी लेंथ भी परफेक्ट है, साइज मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, प्राइस थोड़ा ज्यादा है बट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से तो इसके लिए थम्स अप है। चलो नेक्स्ट आइटम देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट भी यार ये बेज है, बस एक यही थोड़ा डिफरेंट था, ये बाकी सब सेम से ही है। तो नेक्स्ट आइटम है ये स्वेट शर्ट। देखो इसके ना अंदर इस तरह का भी दिया गया है, गरम गरम सा फैब्रिक कुछ, और यार पहन के काफी वॉर्म रख रही थी, मतलब वॉर्म लग रही थी, और ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब अंदर की तरफ से भी बहुत सॉफ्ट है। तो इसका ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसका प्राइस 300 समथिंग था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं बिल्कुल स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप देख लेना। स्लीव्स में इसके यहाँ पर इस तरह की इलास्टिक है और नीचे की तरफ भी ऐसी इलास्टिक दी गई है। साइज मेरा इसमें भी लार्ज है, शायद मुझे लग रहा है मैंने सब में लार्ज साइज मंगाया है। हाँ, और ये जो
ये जो था इसमें भी मैंने लार्ज साइज मंगाया, और सच बताओ ये मेरे को इतना पसंद आया है कि मैंने ना इसमें एक पिंक कलर में भी मंगाया है। अभी वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है, जब रिसीव होगा तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। और हाँ, ये ना पार्ट वन है, अगर आपको पार्ट टू भी देखना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है? वैसे कोई कमेंट नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले आऊंगी, इट्स ओके। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये स्वेटशर्ट भी मुझे काफी अच्छे से फिट हुई थी, फिटिंग के हिसाब से तो बाकी मतलब सभी चीजें बहुत अच्छे से फिट हुई है, बट क्वालिटी इसकी यार अंदर की तरफ तो इसने मतलब अच्छा सा दिया गया है, बट बाहर की तरफ ना इसका फैब्रिक इतना मुझे सॉफ्ट नहीं लगा। मतलब इसका फैब्रिक देखने में थोड़ा चीप सा लग रहा है कि हाँ थोड़ी चीप क्वालिटी में कुछ हमें मतलब दिया गया है, कुछ इस तरह का लग रहा है। चाहे तो कुछ और ट्राई कर सकते हैं इसकी जगह स्वेटशर्ट, यार मैं स्वेटशर्ट और देखती हूँ, मुझे ये वाली अच्छी नहीं लगी। मैंने एक ही स्वेटशर्ट मंगाई थी मीशो से और वो भी मुझे पसंद नहीं आई, तो मतलब वैसे वॉर्म थी, पहन के वॉर्म लग रही थी, पर ऊपर की क्वालिटी मतलब बहुत रफ, क्या बोलूँ, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पर बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो भी डिटेल्स रह जाएंगी बताने के लिए उसको मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जरूरतमंदों को शेयर करना, ठीक है? और कोई फीडबैक हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।